ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पतंजलि के एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है सतावर चूर्ण। ये बॉक्स दो मैं खत्म कर चुका हूँ, ये थर्ड बॉक्स है मेरा। और तो अभी तक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था, रिव्यू बहुत से लोगों ने कर दिया है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको पहले यूज करता हूँ फिर मैं रिव्यू करता हूँ। तो मैंने दोस्तों दो बॉक्स यूज कर चुका हूँ मैं, थर्ड बॉक्स है मेरा। दो बॉक्स मेरे फेंक देने, तो मैं वो भी दिखा देता आपको। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, बट मैंने पतंजलि के इसलिए किया, पहले तो मेड इन इंडिया, बहुत सारी मेड इन इंडिया कंपनी भी है, बट मुझे पतंजलि का ये अच्छा लगा यूज करके पर्सनली। इसमें यूज करने का तरीका तो बहुत दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेशन में, यहाँ पे लिखा हुआ यूजफुल इन जनरल डब्ल्यूटी इन वीकनेस। और इसमें शतावरी का है राइटर नेम लिखा हुआ है, पार्ट कौन सा यूज हुआ है, रूट इसका जो होता है वो यूज हुआ है इसका, पाउडर फॉर्म में है, और क्वांटिटी 10 ग्राम लिखा हुआ है इसमें, 10 ग्राम। कंपोजिशन इज 10 ग्राम कंटेंट्स, ठीक है। तो आप इसको वैसे तो इसमें लिखा हुआ है 5 ग्राम, जिसमें आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ग्राम डेली इसको लेना है आपको, मतलब दो बार लेना है 5 ग्राम ट्वाइस डेली। बट मैं आपसे बोलूंगा स्टार्टिंग में अगर आप यूज कर रहे हैं इसको, तो स्टार्टिंग में रात को आप वार्म दूध, मतलब हल्का गर्म दूध करिए, उसमें से 5 ग्राम ये सतावर चूर्ण मिला लीजिए और पी लीजिए इसको। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आप अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप दिन में 2-3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप इसको एक ही बार यूज करिए तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये। स्टार्टिंग में एक ही बार करिए, फिर बाद में यूज कर सकते हैं आप 2 बार। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसकी प्राइस की, तो आप प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं 160 रुपीज है। और इसको आप कई सारे प्रोडक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा अगर आप ले रहे हैं तो अश्वगंधा और शतावरी चूर्ण को एक साथ मिला लें, और फिर इसका 1 चम्मच 5 ग्राम का रात में गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी एलोपैथिक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसको शतावर चूर्ण और एलोपैथिक सप्लीमेंट के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। इफेक्ट तो कोई नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है जो मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बाकी खोल के दिखा देता हूँ इसको, ये देख सकते हैं सील पैक में भी मैंने परचेस किया हुआ है, ये इस टाइप का प्रोडक्ट होता है, ये पाउडर फॉर्म में है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, वैसे भी ये पाउडर फॉर्म में होता है। आप इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, बट इसको आप दूध के साथ लेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये बहुत बॉडी पे काम करता है, पूरी बॉडी इस पे काम करता है आपके, इसका असर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक दिन लिया इसका असर एक दिन में दिख जाएगा, लेकिन हाँ 7 दिन के अंदर इसका असर आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसको लेना चालू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है।